मारा तो उसके अंदर में क्या था वो? सीमेंट रखा है, स्टील सीमेंट। वो निष्णु देवी है, साक्षात विराजमान है, केवल विजिबल और इनविजिबल मात्र है, प्रकाश और दृश्य और अदृश्य मान रहा है। भगवान सर्वत्र ही है। वो नृसिंहदेव जी जो धाम जो विष्णु धाम है, अवतार जो धाम आ रही है, जो आप देखते हैं ना, जो दिखाते हैं, जो है भगवान के अवतार, जो जितने भी अवतार है उनके धाम सब नित्य है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन उत्तिष्ठ। अरे आप कहाँ जा रही हो? तो क्या करो? दर्शन करने आए थे। दर्शन करने प्रसाद देने आए थे। अच्छा, मुझे प्रसाद दे रहे हो? नहीं, ये आसार आप ही दे रहे हैं। कौन सा? ये देखो। अच्छा, इनको भी तो हमें प्रसाद देना पड़ेगा। नहीं लेना नहीं। हमारे दरबार में कोई आता है ना, गुरुदेव का दे दे, खाली हाथ में कहीं जाए। आज में जी, वो शिष्य हो बा शिष्य नहीं हो, क्या बोले, डिवोटी हो अथवा नॉन डिवोटी हो, जो भी आएगा है, एक कुत्ता भी आ जाए। छह बजे सोई थी, सवा सात बजे उठ गई, और तब से बस वो फैला हुआ था, गुस्से में लगी हुई थी। अभी भी मैंने बोला आपके साथ कौन है? और भी सबको देना, सब अच्छा लगा। उधार जो है सबको अच्छा लगा। एक मिनट बोल भी रही थी आज आने के लिए साथ में, बट मेरा खुद अचानक से आने का हुआ ना, कल ले आना। कल कब ले आओ? दोपहर के समय लिया, क्योंकि शाम के समय, इस समय जो है थोड़ा 12 बजे के आसपास। हाँ, 12 बजे का। क्या चाहिए? कल बाद में बांटते, पीछे कोई भाग मत जाना। भागने वाला नहीं है ना, मेरा दुख होता है कोई प्रसाद नहीं लेकर जाना, मेरा दुख होता है। विश्वानुनंदिनी एंड परिकर है ना। हाँ, इधर एक पानी और एक कटोरी है, पर रखो रोटी प्रसाद देने के बाद। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ कटोरी दे दो, समझ नहीं आता। हो गया गमछा का? अच्छा लग रहा है गमछा अंदर। क्या चाहिए? अच्छा हाँ, कथा सुनो। मुझे कथा क्या? फूल की माला भी ले हैं अभी? जी बोलिए। किसी बहाने अंदर आ जाएंगे ना। अंदर आने का अखिलेश का भी ठीक यही था। अरे अखिलेश कहाँ आए? शादी करवा दी आपने? मैं कहाँ शादी करा? इन लोगों को बुलाया नहीं शादी में उसने? आप क्यों देने गए थे? आप कैसे करते हैं? आप छह ले लो, नहीं पूछा कि पैर में लगी है? नहीं, कोई नहीं, मैं पैर से। अरे नहीं नहीं, छे 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 में नीचे बैठ रहा हूँ। नहीं ऊपर नीचे बैठ रहा हूँ। आप ऊपर बैठ दे दो, ये दे दो, आप ये दे दो, निकाल दो। ठीक है ठीक है। अरे नहीं नहीं, और भी जगह कम हो जाएगी ना। हम तभी तो हम लोग यहाँ खुल लोगे बैठ जगह यहाँ खुल जाएगा। आप सो ये ले लो, चलो हम सो रहे हैं कि आप के लिए बोल रहे हैं। देख देख देख, ये जगह लेने आ गए आगे अंदर जी। ये सब रिकॉर्ड है आपके फोन लिए। क्या बोला? जितने भगवान भगवान के विग्रह है, ये विग्रह सब नित्य है। मत्स्य कूर्म वराह आदि भगवान के जितने भी विग्रह है, जितने धाम है, ये सब नित्य धाम है। इसी की कहा जाए, एक विग्रह की एक एक धाम की कहा जाता है वैकुंठ धाम कहा जाता है। अनंत करोड़ भगवान की वैकुंठ धाम को लेकर के कहा जाता है महावैकुंठ धाम कहा जाता है। क्या बोला? अलग अलग धाम।
धाम को लेकर महावैकुंठ धाम, एक एक धाम के कहते हैं वैकुंठ धाम कहा जाता है, और समस्त जितने भी वैकुंठ धाम है उसके समस्त वैकुंठ धाम को कहा जाता है महावैकुंठ धाम कहते हैं। यहाँ पर भी कहते हैं क्या बोले, ये महा वैकुंठ धाम से लेकर के महावैकुंठ धाम कहाँ तक परिधि है, कहते यहाँ तक भी महावैकुंठ धाम अयोध्या द्वारका आदि ये समस्त महावैकुंठ धाम की कहते इंक्लूडेड हो जाता है। जहाँ जहाँ पर महावैकुंठ लिखा है, एक वैकुंठ धाम होता है और एक महावैकुंठ, समस्त ये धाम के जो है भगवत जो जितने धाम है केवल उसके कहा जाता है महावैकुंठ धाम। एक महावैकुंठ धाम और एक नहीं, एक तो वैकुंठ धाम, एक एक स्टेट्स मान लिए है, और फिर जो है एक महावैकुंठ धाम हो जाता है। ये महावैकुंठ धाम जो है ये यहाँ पर क्या होते वृंदावन की जो परिखा जो है जिसको हम कहा जाते हैं सीमा बॉर्डर, गोलोक कहा जाता है, गोलोक के नीचे जितने भी सब ये महावैकुंठ धाम में पड़ जाता है। गोलोक तो सेंटर में आता है, गोकुलोक उसके गोलोक गोलोक ही गोकुल कहा जाता है, है केवल उसमें इतना ही कहा जाता है सौकिया प्रज्ञा आभास मात्र रह जाता है, है गोलोक धाम निज धाम नहीं तले तो चस् है। तो ये जो धाम जो कहता है एक होता है वैकुंठ धाम और एक होता है महावैकुंठ धाम। एक साधारण विचार में होता है जी वैकुंठ भगवान के जितने भी अवतार आदि है उनके धाम की वैकुंठ धाम कहा जाता है, जैसे विष्णु धाम विष्णु वैकुंठ, नरसिंह धाम नरसिंह वैकुंठ धाम, अलग अलग सब नित्य विग्रह रहते हैं, वहाँ पर स्वयं भगवान नित्य विराजमान रूप में रहते हैं, है समझे। लो पागल बना दे, फिर शिवलोक कहाँ पर है, किस ब्रह्मांड के अंदर है शिवलोक कहाँ पर है, फिर अब ये तो बड़ा कंफ्यूज कर, शिवलोक पहले सुनो फिर इसको मतलब आप उच्चा डायग्राम दिखाई नहीं है, है ये शिवलोक तो सदा शिवलोक कहा जाता है। ये शिवलोक जो है शिवलोक के एक होता है कौन सा शिव, कैलाश शिव, कैलाश शिव आदि जो है ये समस्त जो है माइक धाम के अंतर्गत होता है। सदाशिव जो है वो वैकुंठ के नीचे भाग को है उसके कहा जाता है सदाशिव, वो सदाशिव संग विष्णु ही है, है एक तरफ जो उसके विष्णु धाम ही कहा जाता है। क्या बोला, सदाशिव लोग जो है उसके भी सदाशिव लोग संग भगवान विष्णु ही, स्वयं भगवान विष्णु ही सदाशिव के रूप में प्रकटित हुए हैं, क्योंकि ध्वंस आदि कर्ता जो है वो जीव तत्व के द्वारा नहीं हो पाता, तब स्वयं भगवान क्या करते हैं विष्णु क्या करते हैं सदाशिव के रूप में ध्वंस के कार्य करते हैं। हाँ, जिस कल्पों में ऐसी कोई योग्य जीव नहीं मिल रहा है तो उस समय स्वयं भगवान क्या करते हैं सदाशिव के रूप में वो कार्य आदि करते हैं। जैसे ब्रह्मा दो प्रकार की होता है, एक होता है वैराज ब्रह्मा और एक होता है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। वैराज ब्रह्मा जो है ये जीव तत्व है, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जो है ये भगवत तत्व है, किंतु हर कल्प में ऐसे कोई योग्य जीव नहीं मिलता जो ऐसे सृष्टि कार्य आदि करे, तब उस समय संग भगवान ये होकर क्या बोले हिरण्य गर्भ ब्रह्मा होकर के सृष्टि कार्य आदि करते हैं, है समझे। ब्रह्मा पद प्राप्ति कर, ब्रह्मा एक पद मात्र है जो सजन्म तक है जो वर्णाश्रम धर्म पालन आदि करते हैं ठीक ठीक से कंटिन्यू, ये सत जन्म ही जो अपमान 100 जन्म जो वर्णाश्रम धर्म पालन आदि करते हैं वो क्या करते हैं ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं, ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं है। फिर भगवान उसे शक्ति संचार करके उसके कार्य आदि सृष्टि कराते हैं, है यथा ब्रह्म संहिता में है ना, जिस प्रकार सूर्यकांत मणि, एक प्रकार मणि होता है सूर्यकांत मणि, वो सूर्यकांत मणि सूर्य के सारे तेज को वो आकर्षित कर लेते हैं, है सूर्य के तेज उसमें प्रतिफलित हो जाता है,
उसके देख करके ऐसे लगता है वो द्वितीय एक सेकंड ए सूर्य जैसे लगता है, है उसे कहते हैं सूर्यकांत मणि, सूर्य के समान ही है वो, सूर्य नहीं है किंतु सूर्य की तेज को क्या कह लेते हैं, मेरा टोपी ठंडा लग रहा आकर्षित कर लेते हैं। अब किसी कल्पों में, किसी कल्पों में ऐसे योग्य जीव भी नहीं मिलता है जो 100 जन्म तक ऐसे वर्णाश्रम धर्म पालन करे। एक नहीं है, ये जन्म करो अगले जन्म ऐसे छोड़ दे, ऐसे नहीं, कंटिन्यू है। वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचार्य के जीवन की वर्णाश्रम धर्म के ठीक पालन करे तब वो जाकर के ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। और ब्रह्म पद प्राप्त करने पर भी तब भी उसके द्वारा शिष्य कार्य नहीं हुआ, तब भगवान क्या करता है उसमें शक्ति संचार कर देते हैं। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं यथा अस्कंत मणि, बस सूर्यकांत मणि और अस्कंत मणि कहा जाता है, है वो सूर्य, सूर्य के जैसे तेज जो है उस अस्कंत मणि व सूर्यकांत मणि में उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके देखने में द्वितीय एक सूर्यकांत मणि, द्वितीय एक सूर्य है। ठीक उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं ऐसे योग्य जीव के हृदय में सारे शक्ति संचार करके तब उसके द्वारा ये सृष्टि कार्य आदि करते हैं। तो ये जीव क्या हो गया, ये हो गया जीव तत्व हो गया, किंतु किसी हर कल्प में ऐसे मिलना बहुत कठिन होता है। तब भगवान क्या करते हैं स्वयं जो है ब्रह्म पद के अधिष्ठित होकर के वो कार्य आदि करते हैं। उस समय उस ब्रह्मा के कहा जाता है हिरण्य गर्भ ब्रह्मा। जब जीव जब ब्रह्म पद के पद में अभिष्ट हो, ब्रह्म पद में अधिष्ठित होकर के सृष्टि कार्य आदि करते हैं उसके कहा जाता है वैराज ब्रह्मा। तो उसी प्रकार शिव तत्व में भी ऐसे कहते जा रहे हैं। शिव तत्व में जैसे फिर शत 100 जन्म है नहीं 100 ब्रह्मा के आयुष्काल होता है, आयुष्काल समझे आयु कितना होता है 100 साल होता है, 100 साल के बाद वो छोड़ देते हैं फिर वो मुक्त होकर चले जाते हैं। किंतु कोई ब्रह्मा ऐसे करते हैं है, भगवान उसके शिव शिव के पद प्रतिष्ठित करने के लिए उसको कार्य दे देते हैं, जैसे रिटायरमेंट के बाद उसको है, उसके कार्य में एक्सटेंशन कर देते हैं। तो वो जीव जो है जब आते हैं वो जीव तत्व में शिव जो है वो जीव तत्व होता है ध्वंस कार्य में है। किंतु ऐसे जीव भी मिलना भी यदि कठिन हो तब स्वयं भगवान क्या करते हैं खुद स्वयं ही शिव पद में अधिष्ठित होकर के दंश आदि करते हैं, उसी कहा जाता है सदाशिव। ये सदाशिव विष्णु तत्व है, ये कैलाश शिव जीव तत्व में आ जाता है और सदाशिव विष्णु तत्व में आ जाता है। इसलिए जब आप जो बोल रहे हैं ये सदाशिव बस तत्व जो है ये विष्णु तत्व है, हाँ समझे ये है। अच्छा ये सदाशिव लोग कहाँ पर पड़ता है, इस ब्रह्मांड के पार करके 8 दीवार को पार करना पड़ता है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार है। ऐसे 8 दीवार के पार करने के पश्चात होता है क्या अष्टावरण कहा जाता है। अष्टावरण के पास इसके बाद होता है विराजा लोग होता है, विराजा नदी ब्रह्म ज्योति धाम है। नहीं नहीं मुक्ति लोग तो फिर आगे जाएगा, इसके जो अंधकार लोग जो होता है फिर जाकर के ज्योति धाम कहा जाता है, है आसान ज्योति धाम ज्योति मैंने केवल वो ज्योति उसके ब्रह्म लोग का है। ज्योति धाम के परपार में ये रहता है सदाशिव लोग, सदाशिव लोग के बाद ही रहता है वैकुंठ धाम। इसलिए वैकुंठ के नीचे के जो भाग जो है उसके कहा जाता है सदाशिव लोक का है। आप वो डायग्राम में देखना वो जो ये जो चित्र जो दिखाता है ये ब्रह्म संगीत के अनुसार ये लोग ने किया, ये वो चित्र देखने से आपके पता याद रहेगा तो भूलेगा नहीं कभी है। हाँ समझ इसके बाद जो होता है वैकुंठ धाम, और वैकुंठ धाम में क्या होता है ना भगवान विष्णु अनेक रूप धारण करते हैं, जितने अवतार है अनंत करोड़ अवतार है वो अवतार आदि सबके नित्य धाम है।
अनित्य स्वरूप में विराजमान होते हैं भगवान, चतुर्भुज रूप में, अधिक रूप में सब चतुर्भुज में रहते हैं, है अरे उसके लिए कहा जाता है विष्णु धाम कहा जाता है, वैकुंठ धाम कहा जाता है। ऐसे अनंत करो, जैसे मत्स्य अवतार है ना, मत्स्य अवतार के वैकुंठ धाम है, उसके मत्स्य अवतार संग भगवान वहीं पर मत्स्य गुरु में विराजमान होते हैं। भगवान के जितने भी अवतार है ये नित्य है और उनके विग्रह भी नित्य है, नित्य धाम है जिसमें रहता है, नित्य विराजमान होते हैं। जब जब लीला की प्रयोजन होता है, जरूरत होता है, तब तो वही धाम से स्वयं भगवान जोग माया के द्वारा इस जगत में प्रकट हो जाते हैं, फिर लीला करके फिर उस जगत में चले जाते हैं। जैसे प्रहलाद, जैसे एक कह रहे हैं क्या बोले, नरसिंह देव भगवान की वो नित्य धाम, बराह देव के सब नित्य धाम है, ये वहीं पर स्वयं प्रहलाद महाराज विराजमान है, वो नित्य परिकर है। ये प्रहलाद जो है भगवान के नित्य परिकर है, वहीं पर एक स्वरूप में रहते। और जब भगवान लीला आदि करने जब प्रहलाद महाराज जी आ रहे हैं, है समझे, वो प्रहलाद महाराज जब आ रहे हैं तब तो उस समय भगवान क्या करते, ऐसे कोई सुकृतिमान जीव को जब प्रहलाद के हृदय में प्रवेश करा देते हैं, है तो मूल प्रहलाद कौन है, नृसिंह की जो अब क्या बोले परिकर है, और उसके हृदय में जो ऐसे ऐसे जीव जो अपने इष्टदेव के अनुसार उनके उसे प्रवेश करा देते हैं। ये विचित्र बात है, जीवों की जैसे जैसे उनके ये होता है क्या बोले ना, वो पोटेंसी रहते सर्वप्रथम है, पोटेंसी समझ में नहीं आ रहा है। जीव के जिस प्रकार स्वरूप है उसके इष्टदेव कौन होगा, है आप महाभगवान है आप लोग, ये आपके इष्टदेव कौन है, राधा कृष्ण है। उसी प्रकार अनेक जीव है, उनके इष्टदेव जो है नारायण है, राम है, मत्स्य है, कुर्म है, ऐसे ऐसे होता है, वो उसकी आराधना करते है। जब वो जीव जब ऐसे आराधना आदि करते करते ऑलमोस्ट सिद्धि हो जाता है और भगवान कहते जो लीला आदि करते हैं उस समय जोगमाया के द्वारा उसी जीव को क्या करते हैं, नित्य परिकर के उसमें प्रवेश करा करके फिर उसके रस आसादन करके फिर वहीं पर लेकर चले जाते हैं। जैसे द्रोणधरा की कथा सुनते हैं, द्रोणधरा जो है ये जीव तत्व है, क्या बोले है, ये जीव द्रोणधरा की कथा जो हम सुनते हैं ये जीव तत्व है, ये बहुत साल तक आराधना आदि की है। समझिए, तो जब भगवान कृष्ण जब लीला आदि कर रहे हैं तो भी ये द्रोणधरा के हृदय में क्या था, वात्सल्य आस्वादन करना था है। तो इसमें जब नंद जसोदा जब प्रकट हो रहा है, नित्य गोलोक वृंदावन धाम से ही आ रहे हैं, नंद जसोदा कृष्ण के नित्य माता पिता है, यहाँ पर नित्य लीला रहे चलते है। अनुग्रह भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम्, तो अनुग्रह करके से भगवान जब ये लीला आदि प्रकट कर रहे हैं, नित्य अपने नित्य माता पिता परिकर की जब प्रकाश कर रहे हैं, तो दोनों धरा के क्या कर दिया, उसमें प्रवेश करा दिया, किसमें, नंद बाबा नंद जसोदा में प्रवेश करा दिया, देखो हो रहा बात्सल रसादन करे। ऐसे ऐसे सुजगवान जीव के जो है भगवान ऐसे प्रवेश करा देते, ठीक उसी प्रकार प्रहलाद महाराज जो है, ये प्रहलाद है कौन, ये नित्य परिकर है, ये जीव तत्व नहीं है, है? आप इसे समझो, भगवान के जो है ये है, ये जीव तत्व नहीं होते, ये सब परिकर तत्व है, इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद सीय धाम सहबोत्तरी, भक्तिमान ठाकुर लिख रहे हैं ना, सिद्धांत भूल जाओगे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया स्वपार्षद है, पार्षद ने परिकर स्वपार्षद और अपने जो विग्रह सब धाम को जगत में प्रकट करा रहे आज में। तो ये जो लीला आदि होते जा रहे, ये प्रहलाद महाराज कौन हो गया फिर, अभी नृसिंहदेव के नित्य परिकर है, ये नित्य परिकर है, लीला आदि कर रहे।
तो उस समय जो प्रहलाद महाराज जी आए हैं उस समय कोई जीव के उसमें प्रवेश करा देते हैं, जैसे निखिल चतुर्दशी में बोला कि नहीं बोला है, कौन पाठ किया? जब निसिंह देव भगवान जो है ये प्रहलाद की पूरे जन्म की कथा भी बता रहे हैं है, किंतु वो नित्य परिकर जो प्रहलाद के जीवन की कथा नहीं है, वो किसी जीव की कथा परिकर कहते हैं। जैसे वो हरिभक्ति विलास में लिख रहे हैं निसिंह चतुर्दशी की कथा बता रहे हैं है, ये निसिंह चतुर्दशी व्रत करने से फल क्या है, तो उस समय कह रहे हैं ये हाँ क्या नाम था, नाम मैं भूल गया, कि बसु नाम से कोई एक व्यक्ति था है, उनके चार पुत्र था है, आज ये प्रहलाद जो है ये छोटा था, छोटा कि बड़ा था ऐसे चलो है, वो बेसमय आसक्ति था है, किंतु अकस्मात जो है वो ये व्रत कर लिया था, नसीब चौदशी के व्रत कर लिया, और व्रत करने से उनके सारे पाप नष्ट हो गया और अंत में भगवान को प्राप्ति कर लिया। ये प्रहलाद जो कह रहे हैं, किंतु वो प्रहलाद ही प्रहलाद एक नहीं है, उसमें एक लिख रहे हैं है? ये प्रहलाद पूर्व जन्म में कौन था, ये कोई बुद्ध के पुत्र था, उसे नाम में जस्ट मैं भूल गया, तो याद था कि वो था, नहीं नहीं है, एक जीव तत्व है और एक परिकर तत्व है, ये जो कथा पहले पूर्व जन्म की आ रही है वो जीव तत्व, वो जीव तत्व उसमें जीव तत्व प्रहलाद के अंदर में जीव तत्व प्रवेश हो जाता है, और ये जो अभी आ रही है वो नित्य परिकर है, देखने में तो एक ही जैसे लगते हैं, ज्यादा बोले तो आपके कंफ्यूज हो जाए, यहाँ तक भी महाभागवत जो होते हैं, जब महाभागवत के इतने कष्ट भोग क्यों कर रहा है, वो महाभारी कष्ट नहीं रहता है, कोई जो ऐसे सुकृतवान जीवात्मा जो है, उसे महाभागवत अंदर में प्रवेश करके उसको लीला आदि करने के लिए जगत जीवों की शिक्षा देने के लिए वो ये सब लीला आदि कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं जो वो भोग रहे हैं, वो नहीं भोग रहे हैं, इसमें से विचित्र विचित्र जी लीला कथाएं उसमें है, हम देख रहे हैं जी गुरुदेव भोग रहे हैं, देख गुरुदेव जी नित्य परिकर हो वो भोगेंगे कैसे है, वो रोग शोक कैसे हो गया, तब कहते हैं कोई जीव पुणात्मा जीव जो होते हैं भगवान क्या करते हैं लोक लीला के लिए है, उसको एक क्या बोले ये दिखा देते हैं, क्या बोले जिसको कहा जाता है इंद्रजालिक लीला दिखा देते हैं है, क्यों इंद्रजालिक लीला दिखाते हैं, मैंने स्वजन स्वजनों के जो है उसकी उनके प्रति सेवा भरा ममता दिखाने के लिए, और दुजनों के प्रति उनके वंचना करने के लिए, वो एक साथ में दो लीला हो जाता है, है? दुष्ट लोग कहने आ रही ये संत महात्मा थोड़ी है, ये संत महात्मा हो ही नहीं सकता, यदि हो तो हम तो जैसे भोगते हैं ऐसे तो भोग रहे हैं, है बेकार की बात, तो उसको क्या कह देते हैं वंचना हो जाता है, वो निंदा वंदना आदि की कर करके वो उससे साइड कर देता है, भगवान ने उसको एक तरफ कर देते हैं, देखो उसको हटा देते हैं, और जो सेवक जो है उसके ममता करते हैं लोकी सद्वंद प्रीति करा करके, और उनकी क्या करा देते हैं ममता आदि दे करके उनकी सेवा आदि करके उनसे चले जाते, यही तो लीला होता है, जैसे लीला आदि करते जैसे माधवेंद्रपुरी पाद उनके दो शिष्य के बारे में दिखा रहे हैं, एक होता है ईश्वरपुरी पाद सेवा आदि कर रहे हैं, रामचंद्रपुरी निंदा आदि करने लगे, गुरुदेव आप क्यों रो रहे हैं, आप तो ब्रह्म हो, ब्रह्म की कोई रोना आता है, सब तो ब्रह्म है, यद्यपि रामचंद्रपुरी परिकर है तथापि लोग शिक्षा आदि दे रहे हैं, तो उसमें माधवेंद्रपुरी पाद कर तुम मुझे ब्रह्म कहते हो, कहाँ मैं कृष्ण प्रेम में राधा जी के प्रेम में तड़प रहा हूँ, आज तुम मुझे कहा क्या ब्रह्म का, तेरे मुख देखी ली अमार हवि सर्वनाश, उसे रिजेक्ट कर,
ये लीला आदि है। वही रामचंद्रपुरी महाप्रभु की निंदा भी करने लगे, अपने गुरु के तो निंदा किया ही किया, और महाप्रभु जब जब निमंत्रण किया दो बार निंदा किया, कितने बार किया, दो बार किया आ रहे हैं। महाप्रभु कहने लगे प्रभु हमारे घर में प्रसाद पाइए, है महाप्रभु गए प्रसाद पाने के लिए और बहुत कुछ बनाया महाप्रभु खाने के लिए दिया, बोले सन्यासी गुरु इतना खाता है सन्यासी वो करके खिलाया दिया तो 50 प्रकार के व्यंजन और सब कुछ दिया, अपने हाथ में रसोई बनाया है, महाप्रभु की भी कथा हो गया, महाप्रभु के लिए सब कुछ बनाया। और जब महाप्रभु खाने के लिए बैठे बोले आप सन्यासी हो क्या, इतने खाओगे सन्यासी, हाय हाय हाय, तो जगत की थोड़ा उतरे बोला हाथ से खाएंगे ना, सब भक्त लोग दुखी हो गए, ये चैतन्य से वर्णन है ना। अच्छा चलो और एक बार कि महाप्रभु के मैं गंभीरा में गए मिट्टी में, महाप्रभु तो मिट्टी में वर्ष होते थे उस समय, थोड़ी पत्थर थोड़ी लगा था है। अच्छा मिट्टी में महाप्रभु अपने महाप्रभु वैराग्य में गए थे, अपने कपड़ा के जो है एक लगा देते थे है, बिल्कुल सोते थे त्यागी वैराग्य, तो मिट्टी यहाँ क्या बोले चिट्टियां तो घूमते रहते हैं, बोले हाँ सन्यासी होकर के संचय करके मिट्टी खाते हो, ये खाते हो क्या बोले मिठाई खाते हो चिट्टियां यहाँ पर घूम रहे हैं, महापुरुष जो खाते नहीं है, है? तो महापुरुष की निंदा आदि करने लगे है, तो ये करते हाँ समझो। तो उसी प्रकार भगवत भक्त के दो प्रकार की लीलाएं होती है, एक वंचनात्मक और एक प्रेमात्मक होता है, क्या शब्द बता दूसरे के वंचन का वंचना कर देते, जो निंदु पाषंडी है उसकी वंचना कर देते हैं, और जो सेवा करने वाले जो है उसके आपन जन उसकी ममता आदि सृष्टि कर देते हैं, है ये कर देते हैं। अभी जो हमारी कथा प्रसंग जो था वो अब आगे हो, क्या बोला प्रहलाद मारिये, प्रहलाद भगवान के नित्य परिकर है, है ये नहीं है जो कहने पर जो बाहर आ गया है, ये केवल एक सिद्धांत नहीं है, यद्यपि भागवत में लिखा है, है? ये हिरण्यकश्यप ने कहा ये प्रहलाद तुम बताओ तुम विष्णु कहते हो विष्णु खंभे में है, बोले हाँ सर्वत्र व्यापनति थी विष्णु, अनु उन, अनु कण कण में भगवान है, क्यों नहीं, बोले खंभा में है क्यों नहीं। तो उस समय हिरण्यकश्यप ने किया कि गदा दे करके खंभा को तोड़ा, निष्णदेव बाहर निकल, उसमें एक शब्द भक्त भक्त के वाक्य रक्षा करने के लिए संग भगवान खंभे से निकले है। क्या भक्त इसमें कोई कोई लोग कहता है इसका मतलब पहले नहीं था, यदि इसके ऊपर कोई तर्क करे वहीं पर एक शब्द आ रहे है भक्त की वाक्य रक्षा करने के लिए है, भक्त विधातु भक्त की कथा रक्षा करने के लिए प्रहलाद मान ने कहा, इधर प्रहलाद महाराज करने पर नृसिंहदेव आ गए, क्या नृसिंहदेव नहीं था क्या सर्वोत्तर, जैसे अग्नि इसमें है, है आपने कहा था अग्नि नहीं है, मतलब अग्नि है मारो अग्नि आ गए, तो अग्नि नहीं था क्या, आग था कि नहीं था, आग परिस्थिति आने पर वो प्रकट हो गया है। तो भगवान सर्वत्र विराजमान है, इसलिए जो प्रहलाद के लिए हम जो कह रहे हैं कौन प्रहलाद नित्य परिकर, प्रहलाद जो है भगवान के नित्य परिकर है, भगवत धाम जो है नृसिंह धाम कहा जाता है, है जैसे राम लोक है विष्णु लोक ये सब जो है सब है, वराह लोक मत्स्य कुर्मा वराह जितने भगवान के अवतार आदि जो है, ये तो केवल 25 अवतार की कथा कही गई, ये आप लोग जितने जो देख रहे ये जितने भी अवतार भगवत के धाम जो है, है ये समस्त भगवत धाम में भगवान की जो है विग्रह नित्य कहा जाता है, ये तो वैष्णव शास्त्र में क्या कहा जाए भगवान और भगवान के विग्रह नित्य है, निश्चय जो है नित्य है,
ये था नहीं अभी आ गया, ऐसे नहीं कर सकते। वो नित्य केवल प्रकट अप्रकट, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट, इतना ही तक बस। हमें विजिबल इनविजिबल है इतना ही तक। जैसे सूर्य हमारे पास अभी दिन छिप गया है, अमेरिका में देखे वहां पर सूर्य उदित हो रहा है। तो उसी प्रकार भगवत भगवान भगवान के विग्रह धाम आदि नित्य कहा जाता है, उसी प्रकार उनके जो परिकर आदि नित्य कहा जाता है। हम जो प्रहलाद जो कह रहे हैं, कौन प्रहलाद के बारे में कह रहे हैं? नित्य परिकर है। और ब्रह्मा जी की बात जो कहा गया, ये इंद्र आदि ये अधिकारी जो दास है, ये समस्त जीव तत्व में आ जाता है। इसलिए दो तत्व के आपके अच्छी तरह से याद रखना पड़े, एक जीव तत्व और एक परिकर तत्व। परिकर तत्व जो है भगवान के विग्रह के साथ ही, भगवान के साथ ही लीला आदि करने के जाते हैं। जीव तत्व की जो है, जीव तत्व जो है ये शक्ति से प्रकट हुए हैं, परिकर तत्व शक्ति से नहीं प्रकट हुए हैं। हाँ, जीव तत्व जो है एक परिकर, क्या परिकर तत्व जो है वो सर्वशक्ति से प्रकाशित हुए है, शक्ति तो है हैं। और ये जीव तत्व जो है तस्य शक्ति से प्रकट हुए हैं, जीव नामक शक्ति कहा जो है सर्वशक्ति प्रकाश होता है, ये समस्त विचार दिखा। इसलिए ब्रह्मा ब्रह्मा आदि जो देवता जो है ये समस्त है जीव तत्व में आ जाता है। लेकिन जो कहते हैं कि जो अधिकृत दास है भगवान की सेवा कर रहे हैं, नित्य परिकर जैसे प्रहलाद महाराज जी हैं, ये शांत रस में है, तो जो दास तत्व में है वो श्रेष्ठ होता है। देखो इसमें एक विचार करते हैं, आप जो बात बता रहे हो ये बात अतीब सुंदर गंभीर विचार है। कभी कभी जैसे जीव कर रहे हैं ब्रह्मा आदि सेवा आदि कर रहे हैं, और ये सेवा विधि वृत्ति दिखा रहे हैं, प्रहलाद क्या है शांत रस में ले गए। अच्छा, शांत रस में वह पर सेवा नहीं दिखा रहे किंतु परिकर है, और ये परिकर नहीं। यदि हम इसमें विचार करें, तत्व में विचार करें, एक परिकर तत्व एक जीव तत्व में आते हैं, ब्रह्मा जी जीव तत्व में आते हैं, वो परिकर तत्व में जा रहे हैं। और जब हम रस तत्व में विचार करें तब ये क्या बोले, ये दास रस में आ जाता है, वो संत रस में आ जाता है। इतना ही तो दिखाते हैं, किंतु तथापि परिकर की विशेष वैशिष्ट कहा जाता है। आपके घर में आप अपने बेटा है, मानो बेटा परिकर हो गया, और आपके के नौकर है, आप बताओ नौकर बड़ा है कि आपके बेटा बड़ा है? बेटा विशेष है, वो रहेगा, काम करे और ना करे बेटा बेटा ही होता है। रस विचार में ले जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि तथापि तो बेटा बेटा ही है, परिकर परिकर है। जीव कौन सी शक्ति है? तर्षा शक्ति कहा जाता है, जीव शक्ति कहा जाता है, मार्जिनल पोटेंशियल कहा जाता है, जीव शक्ति कहा जाता है अथवा तर्षा शक्ति। जीव नामक शक्ति से जीव प्रकट हुए है, और परिकर जो है वो केवल सर्व शक्ति से प्रकट हुए है। तो इसे आपने जो बोला ये भी तो मानना पड़ेगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा, आपकी बात ठीक है, किंतु तथापि परिकर आदि जो है इनके महात्मा अधिक रहता है। जैसे आप बताते हो कि जो ब्रह्मा है उनको वृंदावन में प्रवेश मिला एक पर्वत के रूप में, कौन सा जो पर्वत के रूप में, पर्वत रूप में उपासना कर रहे हैं ना कि वो कि हमको गोपियों की रज मिल जाए राधा जी के चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए, वो तो बरसाना में ब्रह्म पर्वत के रूप में है। ठीक, जब वहाँ पे उनको प्रवेश मिला प्रहलाद जी को तो प्रवेश नहीं मिला वहाँ पे, तो इससे क्या होता है? तो वो जी बोले पर्वत के रूप में सेवा किया, किया ठीक है। वो जो जिस रस में करे वो रस विचार, भाई यही तो मैं कर रहा हूँ, एक रस विचार एक तत्व विचार। रस विचार में ऐसे भी कहे ठीक है, उससे श्रेष्ठ माना जाए, उससे क्या होता है? क्यों परिकर तो परिकर तो रहता है ना, है परिकर जो है वो रहता है। जैसे मैंने एक आपके बेटा श्रेष्ठ है कि आपके नौकर श्रेष्ठ है, ये बात बता दो,
है, भाली नौकर तो इसके सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बेटा क्या कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, पिताजी की संपत्ति आराम से रह रहे हैं। ये तत्व दृष्टि होता है, किस दृष्टि से आप विचार कर रहे हैं वो देखना है। एक तत्व विचार में हरिराश विचार है, तत्व विचार में देखो प्रहलाद श्रेष्ठ माना जाता है, और रस विचार में जो दास रस में है करें वो भी आधिकारिक दास, वो अधिकृत दास होकर वो भी ऐश्वर्य युक्त है, तो इसलिए माना गया है। इसलिए जब पांच प्रकार के जो भक्त के रहे उसमें ब्रह्मा के नाम कहाँ आ गया भाई, है प्रहलाद के नाम आ गया है, ब्रह्मा अधिकारी है, ब्रह्मा के नाम ही नहीं आ रहे, लिस्ट में नहीं है, तो फिर तो ये समझते सूक्ष्म विचार है, ठीक है, जहां जहां पर विचार करते जाओ, विचार कर ले चित्ते पाइबे चमत्कार, है जैसे जैसे विचार करते जाओगे हृदय में ऐसे उल्लास होते है, तो सीखा है। इसलिए आप जो बोला ठीक है, उसके स्वीकार करना पड़ेगा भाई, ये तो शांत रस में लिया गया, किसको शांत रस में लिया, प्रहलाद मर के शांत रस में लिया गया, और ब्रह्मा जी के दास दस में है, वो भी दास तो इसमें ही है, क्या बोले आधिकारिक ऐश्वर्य मुला दास है, शुद्ध दास हनुमान में दिखाया गया है, हनुमान जो है ये हनुमान नित्य परिकर है, हनुमान जो है भगवान क्या है नित्य परिकर है, ये उसमें था, लेकिन हनुमान जी को सुदास से बोला तो ऐश्वर्य युक्त है, हो इस दास शब्द की अर्थ होता है सेवा भावना, शुद्ध दास नहीं से नहीं है, वो रहता है शुद्ध करने माने जिसमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए हनुमान की कहते हैं शुद्ध दास, दास होता है ऐश्वर्य भाव नहीं होती, सेवा नहीं होती है, है? रक्त पत्रक आदि जो है इसके जो हम दास कहते हैं, ये कभी कृष्ण के दास नहीं मानते, किसके दास मानते हैं, नंद महाराज के दास मान लेते हैं, रक्त पत्रक के क्या कहा जाता है, नंद महाराज के दास, कृष्ण के मैं दास में ये भावना नहीं रहता है, ये चिंता जाता है, इसलिए हनुमान के जब हम कहते हैं शुद्ध दास में आ जाते हैं, है? सेवा वृत्ति ममता युक्त सेवा वृत्ति आ जाता है, इसमें रस विचार में ये जो ममता युक्त है ये ब्रह्मा जी में नहीं आता, कौन सा जो ममता युक्त है, जैसे हनुमान जी जैसे सेवा कर रहे हैं, नहीं वो क्या है, ब्रह्मा जी की सेवा क्या है, सृष्टि आदि करके करना, तब भी ब्रह्म संहिता में एक शब्द आ रहे हैं, ब्रह्म संहिता आदि समस्त आदि करने के बाद ब्रह्मा जी ये स्तुति कर रहे हैं, ये प्रभु आप तो मुझे सब कुछ सिखा दिया है, फिर हमें ये सृष्टि कार्य में हमें क्यों लगा रहे हैं, जो भगवान ने कहा कि वंशी ध्वनि के द्वारा लास्ट बार में वर्ष में आ रहे हैं, कहते हैं अभी तक तुम्हारी रजगुण है, इसलिए तुमको ये काम करना पड़ेगा, सृष्टि करते सृष्टि गुण से रजगुण से होता है, सेवा भी उसमें लगा देते, ये सब तो विचार दिखा रहे ये याद रखना, जब हम जब शास्त्र विचार करते हैं दो दृष्टिकोण से होते हैं, दे एंगल ऑफ विजन, दो एंगल ऑफ विजन होता है, एक होता है तत्व विचार और एक होता है रस विचार, है तत्व विचार में यदि देखा जाए प्रहलाद श्रेष्ठ है, क्यों परिकर है, जीव तत्व नहीं है परिकर तत्व है, और रस विचार में देखे ये इनके सेवा वृत्ति दिखा रहे ब्रह्मा जी के है, ये दिखा रहे प्रहलाद और ब्रह्मा जी की स्थिति कहाँ पर है, सब वैकुंठ में है, उसके आगे नहीं, ब्रह्मा जी की इतना ही हम और भी प्रहलाद विकास रस विचार में श्रेष्ठत्व देते हैं,
ब्रह्मा जी जिस स्तुति में आ रहे हैं, जद गोकुले ओपी कतमा अंग्री रजो अभिषेकम, इस श्लोक में ब्रह्मा जी ये प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे हे प्रभु, मेरे वृंदावन में जन्म होना तो मेरा सौभाग्य नहीं है, मुझे कहाँ जन्म हो जाए, है गोकुल में, नंद गोकुल में है, जहां पर जो है क्या बोले माने वो मैथरानी जो है ब्रजवासी के घर साफ कर करके, टॉयलेट साफ करके जब घर में आ करके अपने पैर को साफ करते हैं, वो साफ करने से एक पत्थर होता है, उस पत्थर होकर के मेरा जन्म हो जाए, इसमें ले कतुमा उंगरी ब्रज रजो अभिषेक, ये टीकाकार कार्य विषय है। इसमें एक भी विचार भी है, ब्रह्मा भगवान के साथ संबंध क्या है, क्या संबंध रखते हैं, है? पुत्रत्व अभिमान रखते हैं, है? भगवान के जो है नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा है विचार में जाते हैं, है? इसलिए वो मधुर रस में प्रवेश करने के लिए डर रहे हैं। पुत्र कभी माता पिता के साथ जो संबंध आदि देखते हैं वो क्या करते हैं, है? वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो छुपा रखते हैं। ब्रह्मा जी के सारे पता है, है? आया समझ में, थोड़ा बोल देता आप लोग के ठीक नहीं है, है? थोड़ा लज्जा के वस्त्र ढक करके बोलना पड़ता है, है? माता पिता की जो संबंध है बालक को भी देख भी ली है, कभी बालक इस बात नहीं बोलेंगे, है? ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी पुत्र है, है? क्यों, भगवान की कहां से निकले, नाभि कमल वो उसमें दिख रहे हैं, है? इसलिए पुत्र होने के नाते ये भावना रख रहे हैं, इस विचार से जी मैं वृंदावन में गोपियों के साथ जी जो व्यवहार आदि जो है ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं, है? हाँ, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं वृंदावन में मेरा जन्म तो सौभाग्य नहीं होगा, हे प्रभु जी जन्म देना है कहाँ, जद गोकुले ओपी कतमा अंग्री रजो अभिषेकम, ये होते हैं, है? कितने विचार, जितने भी विचार पढ़ते भागवत पढ़ो, एक एक करके खोल खोल करके पत्ता, एक एक करके पन्ना, एक एक करके अपने आप खोलता रहे, ज्यादा बोले तो आपके समझ में आएगी नहीं आए, है? खोलते रहे, है? उतना ही तो बोल रहे हैं, क्यों ये बोल रहे, जद गोकुल भी कतमा उंगरी रजो अभिषेक, गोकुल में है, वो भी कौन सा गोकुल, नंद गोकुल माने जहां पर कृष्ण के बाल लीला हुई है, हम लोग जाते ना वहीं पर, एक बोले वृंदावन के अंदर में नहीं है, क्यों, वृंदावन में जो माधुर्य के स्थान है गोपियों के साथ कृष्ण के, वो स्थान नहीं है, उसमें संभव नहीं है, है? शिव जी की भी प्राप्ति नहीं हो रहे, शिव जी के साथ संबंध क्या होता है, भातृत्व संबंध दिखाते रहते, हाँ ना भाती ना, वो क्या संबंध कहते हैं, हाँ शिव जी के साथ, वो शिव जी की भी नहीं कार्य, वो श्लोक है ना ले भी रे गुत, उस ये जिस वस्तु जो है जसोदा के जो भाग प्राप्ति हुई और किसी के भाग में लक्ष्मी देवी भी नहीं है, चेतन वो छोटा वाला, रामानंद संवाद में है ना, नेमं विरिंचि न भवो न श्री श्री ओपी अंग संश्रया प्रसाद लिभिरे गति जत तत प्राप विमुक्ति दद्दात, ब्रह्मा शिव
अथवा विष्णु वक्षस्थला सीता लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं हुई, ब्रह्मा जी की प्राप्ति नहीं हो रहा है। जो माँ यशोदा के जो जो भाग में प्राप्ति हुई, वात्सल्य भाव की प्राप्ति हुई, ब्रह्मा जी के यहाँ पर नहीं हो रहा। शिव ब्रह्मा जी पुत्रत्वाभिमान है, ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुई है, और शिव जी के भी नहीं माना कर रहे हैं, और लक्ष्मी देवी की जो प्राप्ति नहीं है। ये समस्त जो वर्णन होते जा रहे हैं, ये समस्त विचार दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर विचार दिखा रहे हैं। ये मूलक है, वो लिखा तो गोविंदा आदि पुरुषम, किंतु उसमें सारे हमारे आचार्य पाद ने किया कि टीकाकार टीका के द्वार सब माधुर्य रूपी बच्चा किया, जीव गोस्वामी पाद सब टीका के एक एक आनंद चिन्मर से प्रतिभा विस्तार विजय निज रूप तया कला भी इसके टीका है, गोलोक धाम निज धाम नि तलित चस्व सब माधुर्य पर रखा करते। जैसे जैसे अधिकारी होते उस अधिकारी लोग होते हैं उसके निकट उसी प्रकार बोलना पड़ता है, जो जैसे अधिकार होगा उस अधिकार के अनुसार बोलना पड़ता है। कि शास्त्र के विचार दो प्रकार के हैं, एक तत्व विचार और एक रस विचार है, ये समझ लेना, जिससे विचार करोगे उससे मिलेगा। जिस विचार में हमारे गुरु स्थित है माधुर्य रस में, तो हर चीज को माधुर्य रस में ही इसलिए सनातन गोस्वामी पाद बृहद भगवतामृत ग्रंथ में जिस यहाँ पर रसायन चैप्टर जो है दास सख वात्सल्य माधुर्य किसी भी रस के श्लोक है सब माधुर्य रस में व्याख्या कर दिए, सिंगार रस में व्याख्या किया है। यहाँ तो सख रस के जो है इतम सतांग ब्रह्म सुखानुभूतम दस्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं विजहु कृतपुण्य पुंजा, ये सख रस के श्लोक है, और सनातन गोस्वामी पाद इसकी सिंगार रस की व्याख्या कर दी है। ये बृहद भगवतामृतम ग्रंथ में रसायन चैप्टर में एक एक श्लोक के उन्होंने कर दिया। श्लोक क्या है, सकर क्या है, इत्तं सतं ब्रह्म सुखानुभूतं दस्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं विजहु कृतपुण्य पुंजा नरदारकेन, इस श्लोक के जो है बिल्कुल गोपी भाव में स्थापित कर दी है। नरदार नर गोप दार दार माने उनकी पत्नी, देखो कहाँ पर होगी, गोपियों की पत्नी है, गोपों की गोप पत्नी कर दिया, नर दार के नर शब्द के अर्थ कर दिया गोप, दार शब्द के अर्थ दोनों शब्द को अलग करके विभाग कर नर दार के है, नर शब्द के अर्थ है गोप, दार शब्द के पत्नी है, और उसमें व्याख्या करते जा रहे सार्धं विजय कृत पुण्य पुंजा। कौन सा नहीं, श्लोक तो है सखरस के श्लोक, इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूतं दस्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं विजहु कृतपुण्य पुंजा, ये कह रहे हैं कृष्ण जब सखाओं के साथ खेलकूद आदि कर रहे हैं, जब कृष्ण सखाओं के साथ किस प्रकार व्यवहार आदि कर रहे हैं, सखरस की कथा है, उनकी कांध पर चढ़ रहे हैं कांध में चढ़ा रहे हैं, उनके उच्छिष्ट आदि ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे दृश्य के देख करके ये श्लोक आ रहे हैं अहो जो अद्वैतवादी लोग इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूतम, ये ब्रह्मवादी लोग हैं भगवान के क्या मान रहे, ज्योतिर्मय मान रहे हैं, इत्थं सतां यह साधु कहने से अधिकांश साधु किसको कहा जाता है, अद्वैतवादी लोग के साधु मानते हैं, आप अद्वैतवादी के जाओगे ना, हम लोग के साधु नहीं कहते, वो क्या कहते हैं वैष्णव है,
वही आप लोग के साधु नहीं मानते, साधु अपने को मानते हैं लोग, ये भी आपके पता नहीं है। अद्वैतवादी लोग जो है अपने के साधु कहते, और बाकी लोग क्या है, बस तुम लोग सब वैष्णव है। हम लोग वैष्णव की श्रेष्ठ मानते हैं ना, वो वैष्णव की निजा मानते, वो साधु नहीं मानते हैं, अपने के साधु मानते। साधु कौन है, जो ब्रह्म में स्थित होकर के रहते उसके साधु कहा जाता है। वो भी युक्ति दिखाते हैं शास्त्र से है, हम लोग युक्ति दिखाते हैं जैसे, वो लोग भी युक्ति दिखाते हैं शास्त्र से है। वो लोग कभी वैष्णव के साधु नहीं मानते है, कहेंगे तो इतना ही तो वैष्णव साधु वो कहेंगे, इतना ही तो कहते वैष्णव कहेंगे, तुम लोग वैष्णव हो है। हम लोग वैष्णव के श्रेष्ठ मानते हैं ना शास्त्र के अनुसार है, किंतु वो लोग कहते हैं साधु श्रेष्ठ। और साधु कौन है, जो ब्रह्म में स्थिर होकर रहते हैं है? उसके कहते हैं, इसलिए तो प्रभु क्या नाम हो प्रकाशन प्रकाशानंद सरस्वती है, बोले आप साधु होकर के है आप ये क्यों कर रहे हैं ना, नित्य गीत आदि क्यों कर रहे हैं। साधु एक जगह में बैठ करके ब्रह्मचिंतन करे हैं, महाप्रभु के कहा ना है, अरे सब ठीक है, है? तुम्हारी मम्मी मिली थी हॉलैंड में, हाँ और सब ठीक ठाक है, हाँ अच्छा और सब ठीक ठाक है, चल रहे और प्रभु सब ठीक है, अच्छा बहुत अच्छी है। अब हॉलैंड कब जा रही हो, अभी जाने के कोई विचार नहीं रख, अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। तो फिर इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूतम है, जो अद्वैतवादी साधु लोग जो है भगवान की अंग कांति के उसकी ब्रह्म ज्योति मानते हैं है, उसकी श्रेष्ठता देते हैं, और वे ब्रह्म ज्योति संग भगवान के कृष्ण के, इसलिए इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूतम है। वास्तव रूप में इस श्लोक के द्वारा सुखदेव गोस्वामी पाद ब्रह्मवादी, आरती शुरू हो गया, ब्रह्मवादी लोगों की यहाँ पर तिरस्कृत कर रहे हैं, तिरस्कृत हैं, चेस्टाइजमेंट कर रहे हैं, धिक्कार दे रहे हैं, अरे तुम लोग अपने की ये कहते हो, क्या बोले ब्रह्मवादी कहते हो है? ये ब्रह्म है क्या चीज ना, साक्षात भगवान की अंग कांति के छटा कहा जाता है, तुम्हें तो भगवान को दर्शन नहीं हो रहा है, क्या दर्शन हो रहा है, भगवान की अंग कांति कहते इतं सतंग ब्रह्म सुखानुभूत, वही ब्रह्म सुख के तुम अधिक मान रहे हो है, तुलना ओपी यदि तुलना करे बोले कुछ नहीं है, ब्रह्म सुख क्या है, तुच्छ है, किसके पास, भगवत प्रेम के पास है, अत्यंत जो है सामान्य रूप में, जथा जुगनू जानते हो है, रात में जो चमकता है नीलावरण होकर उसके पीछे के भाग जिगमिल जिगमिल करते, बोले उसी प्रकार ही है ब्रह्म सुख है, अनंत प्रेम राज्य है यहाँ पर, इसलिए ब्रह्म सुखानुभूतम दासंगतानांग परदैवतन, जो लोग दास भक्त होते हैं जैसे ब्रह्मा आदि, ये क्या है दास भक्त है, भगवान गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि है, ब्रजवासी लोग कहेंगे कहीं, एक भी ब्रजवासी नहीं गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गुरुदेव जी पहले पहले ना खूब गा रहे लोग, एक भी ब्रजवासी है, ये कोई कहेगा, माँ जसोदा कहेगी गोविंदम आदि पुरुषम, सखा लोग कहेंगे सुवल सिद्धाम गोविंदम आदि पुरुषम है,
हैं, सुनने में भी मीठा लगते हैं ना। गोविंदम आदि भुजंग तमंग बजामी, वहां पर कौन भजन करेगा हैं? वहां पर तो कृष्ण के क्या बोलते हैं, चोर बदमाश लंपट हैं, आरे सारी गाली देता है, ब्रजवास ब्रज के गाली होते हैं हैं, चोर चट्टा बदमाश हैं गाली देता। और ब्रह्मा जी क्या करे, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण है। ब्रजवासी लोग हैं, सर्व कारण के तू कारण है पागल, काल की छोकरा है, जन्म लिया हमारे गोद में है, आज बात बोल कोई गाली कोई कह नहीं है, गोविंद आदि पुरुष तमहंग भजान, हाथ जोड़ कर, हाथ जोड़ करें है? उसे कृष्ण हाथ जोड़ते प्रणाम करते क्या? अरे वहां पर स्तुति है ही नहीं, और क्या यही होता है, जहां पर स्तुति वाक्य शब्द होता है ना, ये सब ऐश्वर्य होता है, सब स्तुति होता है। एक उदाहरण कोई कहते हाँ, वहां पर सब स्तुति क्या होता है, स्टूपिड नॉनसेंस रास का है, मधुबो कितो बंदो माफ इसरांगी है, ये समस्त स्तुति होता है यदि कहो तो है, ये समस्त कहते मधुबो कितो बंदो माफ इसरांगी, राधा जी का रही है हे भ्रमर है, क्यों मेरा चरण के स्पर्श करना चाहती हो है, माँ विश्रांगी मेरे चरण के स्पर्श मत कर, मतलब क्यों तू शराब पी कर क्या है, भ्रमर क्या किया क्या? भ्रमर कहते मैं भाई कभी तो शराब तो बहुत दूर की बात है, गंदी जो पुष्प जो उसमें भी बढ़ता ही नहीं हूं है, मक्खी बढ़ जाता है, मक्खी समझ फ्लाई, मक्खी तो बढ़ जाता है किंतु भ्रमर को भी बढ़ता है, भ्रमर कहाँ पर बढ़ता है, सुंदर प्रस्फुटित रसमय और सुगंधि युक्त प्रस्फुटित हो, वहीं पर जाकर को मधुम बड़े बड़े कमल जहाँ पर खिले रहते हैं, कमल वन में जहाँ पर सुंदर सुंदर कमल, गंदा फंदा इधर जो मुरझा युक्त जो फूलों पर बैठते ही नहीं है, तीन होता है, एक मक्खी होता है, क्या मक्खी कहा देते हैं फ्लाई, और एक होता है मधुमक्खी और दूसरी होता है भ्रमर, तीनों में अंतर है, हैं समझ में आ रही, तीनों में अंतर क्या है, मक्खी जो है वो कहीं पर बैठ जाता है, हैं गंदगी हो दुकान पे हो मिट्टी पर जहाँ पर बैठ जाता है, हैं वही, और क्या है मधुमक्खी कहाँ पर बैठता है, फूलों पर बैठते हैं है? वो भी फूल पर बैठता है, और भी जैसे फूल मिल जाए दुकान पर भी जो मिठाई होता है ना वहीं पर ही बैठ जाता है, मधुमक्खी बैठ जाता है, कमल कहाँ पर बैठता है, एक क्या बोले भ्रमर कहाँ पर बैठता है, जहाँ जहाँ नए नए कमल खिले हुए हैं दिखने में भी सुंदर हो, वो भी चेस करता है जहाँ तहाँ थोड़ी बैठ जाएंगे वो है, ये तीनों में अंतर देखो कैसे, एक है क्या बताया फ्लाई मक्खी, दूसरी क्या है मधुमक्खी, और तीसरी है भ्रमर, भ्रमर केवल जो है एकमात्र कमल पर सुंदर प्रस्फुटित कमल हो देखने में सुंदर हो है वहीं पर बैठता है, उनके स्वभाव दूसरी होता है, इसे कहते हैं कितबो मधुपो कितबो मधुपो बंधु माँ विश्रंगी है, राधा जी भाव दशा में क्या देख रही है, एक भ्रमर आकर के है उनकी चरण कमल की स्पर्श करना चाहते, बात ही सही है क्योंकि राधा जी की चरण इतने सुंदर सुगंध युक्त जो है कमल की सुगंध के भी पराभूत करने वाले है, सुंदर जो है, और राधा जी के चरण की प्रस्फुटित कमल समझ करके वो भ्रमर बैठना चाहिए।
और राधा जी ये सोच रही है ये कृष्ण के दूत है, काचित गुप्पा है, ध्यान्त कृष्ण स्मरण है। यहाँ काची श्रीमती राधिका ध्यान में क्या देख रही है, ये कृष्ण मथुरा में है दूसरे स्त्रियों के साथ मिल रहे, और इसको देख करके किसी के क्या हुई क्रोध हुआ है, इसलिए उनको देख करके कृष्ण ने किया कि ना भ्रमर को यहाँ पर दूध बना करके उसको मनाने के लिए जाए, बोले जाओ। तो उसलिए राधा जी की भावना है, राधा जी कह रहे हैं मधुपक्की तो वो बंधु माँ पिसरांगी है, दुष्ट जाओ यहीं से निकाल जाओ है, बोले मेरा क्या दोष है भ्रमर करने का, मेरा क्या दोष है, क्या दोष है तेरी याद नहीं है मूर्ख है, मेरे चरण की महिमा तू जानती ही नहीं। ये सारे वाक्यालाप जो है किसके ऊपर कर रहे हैं, राधा जी कृष्ण के लिए कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं तुम जैसे मूर्ख है हैं, और तुम्हारे स्वामी ऐसे ही है, तुम्हारे स्वामी भेजे है ना है, कपड़ी के दूध कपड़ी होता है, छल कपट का जाए यहीं से निकाल जाए, यदि कहो ऐसे यदि हो तो दूध के तो जो दूध होते हैं ना मैसेंजर है उसके कर्तव्य होता है तुम्हारे चरण स्पर्श करना है। तो राधा जी कह रहे हैं अरे मूर्ख कहते हो यदि तू शराब पी करके नहीं आते तब तुमको मैं अनुमोदन करते है, देखो कैसे स्तुति हो गया इसकी कहते स्तुति व्यंगार तप है परिहास, तू शराब पी करके भ्रमर करने के लिए स्वामिनी ऐसे मत कहा करे, मैं तो जीवन में शराब तो बहुत दूर की बात, जहां पर शराब की गंध है वहां पर भी नहीं जाते है, भ्रमर कभी गंदे वस्तु में नहीं जाते, शराब गंध है कि नहीं दुर्गंध है, मुझे पता नहीं गंध है कि दुर्गंध मैं गया ही नहीं, मैं क्यों दें अरे तू अरे नहीं नहीं तू पान पी कर के आया, बोले कैसे तेरे स्वभाव, बोले क्या स्वभाव है तेरे सिर ऐसे हिल रहा है, भ्रमर जब उड़ता है ना उसे क्या कहते हैं उसके सिर ऐसे घूमता है, बोले शराब जैसे पी करके ऐसे घूमता रहता है, और शराब पी करके दो होता है एक सिर घूमता है वो बक बक करता रहता है, शराबी जो होता है वो क्या करता है और बक बक करता है, क्या बोले उसको भी पता भी नहीं है, गाली गलौज देना जो कुछ करना करता रहता है, अरे तू ऐसे ही तो कर, भ्रमर जब उड़ता है गुन 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 आवाज करते हैं, भले उसके पंखा के शब्द हो अथवा कोई शब्द हो वो गुं 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 करते, हम लोग छोटे छोटे थे ना भ्रमर के पकड़ करके वो ये है माचिस के अंदर रख देते थे ऐसे सुनता था बैटरी वो काट करके बाहर चला जाता था है, आज समझे हैं हाँ, भ्रमर के पकड़ लो और पकड़ करके वो माचिस होते हैं ना उसमें बड़े बड़े ब्रिटिश मैचिस होता था ना बड़ा बड़ा है देखा है अपने ऐसे बड़े बड़े होता था है, उसको अंदर में रख दो और भ्रमर अंदर में रख रहे गूं करते हम लोग कान में सुनते बोले रेडियो बाज रहे और फिर वो कुछ समय के बाद वो संग काट करके बाहर चला जाए है, उसे पकड़ना भी तो काट देगा तो फिर तो उसी प्रकार कर रहे हैं भाई भ्रमर कर रहे हैं, बोले नहीं नहीं मैं शराब तो पीना बहुत दूर की बात है, यहाँ पर दूर उसे पास ही नहीं जाते, हमें क्यों दोष लगा रहे हैं, बोले तो ये स्वभाव, बोले क्या है ये सिर घूम रहा है हिलता रहा है ये शराब पी करके, बोले ऐसे नहीं तो तू ऐसे बकबक क्यों कर रहे हैं, बोले मैं बकबक नहीं कर रहा हूँ मैं तो सज्जन हूँ है, मैं बकबक करता नहीं, ये तो मेरा पंखा अथवा सिर हिलने से आवाज है, मेरा सिर इसलिए होता है ये मेरा जन्मगत स्वभाव है, हमें क्या करें, अरे जा फिर मधुपोखी तो बंदी माँ पिसरांगी जा यहीं से चले जा है। फिर कुछ समय चले जाने के बाद राधा जी कहते हाय हाय कृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर के एक आए और उनका मैं सम्मान नहीं किया, हाय हाय ऐसे बोलना उचित नहीं, कोई व्यक्ति घर में आ जाए शत्रु हो मित्र हो है उसके सम्मान देना चाहिए,
और मैंने उनके सम्मान देना तो बहुत दूर की बात है, उनके गाली गलौज कर दिया वो चले गए है। फिर कुछ समय के बाद के भ्रमर घूम करके फिर उधर पर आए, फिर राधा जी का फिर तू आ गया। देखो चले जब था है तब मन में उसको गाली गलौज कर, जब उड़ गए चले गए तब उसके सोचने लगे हाय हाय हाय। एक व्यक्ति आया थे उसको बैठने की जगह नहीं दिया, उनके मैंने एक सम्मान नहीं किया, ये तुम्हारा ये ठीक नहीं है। फिर जो दोबारा गया फिर पुनः आ गया मेरे गाल गल। भ्रमर गीत में कितने सुंदर कथा है, हैं ये कहते हैं मधुपो कि तो बंधु माँ पिस्ता राधा जी, इसी के कहा जाता है उनके स्तुति करते। ब्रह्मा जी ऐसे थोड़ी है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजान है ऐसे नहीं है। इसके तो इत्तं सतां ब्रह्म सुखान उत्तम दस्सं गतनां परदैवते, तो दस के भक्त होते हैं भगवान के, उसके भगवान मानते हैं, दस्सं गतनां परदैवते परदेवता मानते, माया सीता नरदार के जो संपूर्ण माया के द्वारा दूषित है, चित्त दूषित है, वो भगवान के साधन क्या समझते हैं, साधन एक गुप्त बालक सोचते हैं, ये थोड़ी भगवान है, है? ये भगवान भगवान कुछ नहीं, नरदेसी दुर्योधन दुशासन कृष्ण के भगवान थोड़ी मानते हैं, ये तो कहते हैं दुर्योधन तो कहते हैं ये कुंती के साथ संबंध होने के नाते इनके साथ हम तो संबंध जोड़ लिया है तो ग्वाल ग्वाल जाते हैं, जैसे जूते को हम सिर पर रख दिया है। दुर्योधन गाली देने लगे जब इसके क्या बोले दुर्योधन के बेटी लक्ष्मणा के जब हरण कर लिया ये कृष्ण के, ये हरण कर लिया था ना, और दोनों के जब बंदी बनाया है तब उस समय संधि करने के लिए बलदेव प्रभु आए, कृष्णा बलदेव प्रभु आए जो चलो युद्ध नहीं करके है, उसमें दुर्योधन गाली देने लगे है हमारे साथ तुम्हारे साथ कैसे होगा, तुम तो गोप जाति हो हम क्षत्रिय है, है? बेटी के साथ कैसे शादी होगी है, अरे तुम लोग तो इतना ही है, है? ये क्या बोले जूता है सब है, ये जूते के तो हम सिर पर रख लिया था, मैंने इतने गाली गलौज कर लिया है, आज नीचा देखा उस समय बलदेव प्रभु बिगड़ गए, बलदेव प्रभु तो हाल लेकर के बस पूरा हस्तिनापुर के बोले मैं जुबना में डुबा देता हूँ, आज तक भी हस्तिनापुर जो है ऐसे झुका हुआ है डूब जाए, तो उसमें कृष्ण ने कहा था आज ऐसे मत है, फिर सब आकर के उसको शादी कराया जो छोड़ दिया, ये समस्त वर्णन है भागवत है। इसके दस्यं गतानां परदेवतानां माया सीतानां नरदारकेन सार्धं बृजु कृतपुण्य पुंजा, और सखाओं के देखो कैसे कृष्ण के साथ कैसे खेलकूद कर रहे हैं, कांध में चढ़ रहे हैं, कांध में चढ़ रहा है इसके शक्कर इसके श्लोक है, और हमारे सनातन गोस्वामी बाद इसके क्या बना दिया माधुर्य गोपी भाव में बना दिया नरोदारो के न, इस शब्द के द्वारा कितना सुंदर सुंदर रखा है, मतलब जो जैसे चश्मा पहना हुआ है वो उसी दिखेगा है कि नहीं, इसलिए भाव ही हमारे प्रधान का है। क्या बोलते हैं, इसलिए भाव में भजन है, इसलिए ब्रह्मा आदि देवता आदि समस्त सब आधिकारिक देवता का है। आज ये सब बहुत भजन करते करते ये सब धीरे धीरे अनुभव होगा, इसलिए उस ग्रंथ के पढ़ो क्या
वृद भगवतामृत में रसायन चैप्टर को पढ़ो, एक एक श्लोक के पढ़ो, देखो कितना आनंद आए है, बहुत सुंदर है। हाँ श्लोक बहुत सुंदर सुंदर है, दास सख वात्सल्य रस आदि के जितने भी श्लोक हैं सब माधुर्य पर व्याख्या करे सनातन ऋषि। इसलिए बृहद भागवतामृत ऐसे अनूठा ग्रंथ है, समस्त वैष्णव ग्रंथ की एक क्या बोलते हैं निचोड़ सर है, हाँ गागर में सागर भर दे, सारे सागर समस्त समुद्र की जल को मानो बृहद भागवतामृत ग्रंथ में ही रख दिया है। और वही वह बृहद भागवत ग्रंथ की बेज करके समस्त गोस्वामी लोग ग्रंथ आदि लिखे, ऐसे लिखा गया बृहद भागवतामृत ग्रंथ। इसलिए गुरुदेव कितने बार, एक बार नहीं कई बार उन्होंने बृहद भागवत ग्रंथ के पाठ किया था। ये समझ ट्रांसलेट कर दिया। अच्छा क्या वृद्ध भागवत अमृतम, जब मैं भागवत करता हूँ हमारे रामचंद्र प्रभु शुरू कर देते हैं वृद्ध भागवत अमृत, बहुत अच्छा ग्रंथ है। तत्व सिद्धांत और माधुर्य सारी उसमें भरा, सब कुछ है उसमें वृद्ध भागवत, बहुत सुंदर ग्रंथ है वृद्ध भागवत, उसके पढ़ा करो देती है। साधारण रूप में लोगों की ठीक है, गोप कुमार की चरित्र कथा सुना हूँ सरल रूप में। गोप कुमार की कथा जो है, नारद जी के चरित्र जो है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, किंतु गोप कुमार की कथा जो है वो सरल है, छोटे बच्चे के भी आप पढ़ा सकते हैं है? तत्व तो है किंतु साधारण रूप में सरल रूप में एक कहानी के रूप में जो है गोप कुमार की कथा अतीब सुंदर है। तत्व पढ़ने से बहुत पता चलता है आज है, क्योंकि गोप कुमार अपने जीवन चरित कथा को अपने शिष्य माथुर ब्राह्मण के जो है सुना रहे हैं, माथुर ब्राह्मण के सुना रहे हैं, तत्व सिद्धांत से भरा हुआ ऐसे ही तत्व ने गुरु तत्व से लेकर के समस्त तत्व है। स्वयं राधा जी गोप कुमार के बोले, उसके नाम क्या है गोप कुमार की सिद्ध दिया नाम क्या है स्वरूप है, ये जाओ गोप कुमार स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद सखरस की कथा तुलना दे रहे हैं। कई कई प्रश्न होता है ये गोप कुमार किस रस के था, सक्कर रस बताया, बोले सक्कर रस क्यों बताया गया है, एक साधारण लोग सक्कर रस तो पूछ सकता है, क्योंकि जहां पर साधारण लोग है वात्सल्य अथवा माधुर्य रस के कहने पर वो लोग साधारण उसके जड़ बुद्धि कर लेते हैं, माधुर्य रस तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्या बोला माधुर्य रस के तो बोलना ही नहीं चाहिए है, कहाँ तक बोल सकते हैं सक्कर रस की कथा तक बोल सकते हैं, अधिक से अधिक वात्सल्य रस के समान रूप में बोल सकते हैं। भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद एक लेख में लिख रहे हैं, कौन एक लेख में लेख माने एक आर्टिकल में लिख रहे हैं, ये साधारण लोग जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर कथा कैसे कथा बोले, कौन सा रस की कथा बोले, उसमें एक प्रश्न कर रहे हैं उत्तर दे रहे हैं। भक्ति अंत प्रभुपाद की उपदेश बोली प्रश्न और उत्तर है, तो उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं
जहाँ पर साधारण लोग बैठे दास सख तक पहुँच सकते बोल सकते हैं। यदि अधिक रूप में कहें सामान्य रूप में वात्सल्य रस की कथा कह सकते हैं, जो माधुर्य रस की तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि मैं माधुर्य रस की कथा बोले लोग साधारण उसकी जोर प्राकृत भाव ले लेते हैं और भगवत चरण अपराध कर देते, कहते हैं वो कृष्ण ये कामी पुरुष है, वो गोपियों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, गोपियों के क्या बोलते हैं कपड़ा चोरी कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, ये कृष्ण के प्रति प्राकृत भावना रखते हैं, किंतु भगवान की दिव्य अलौकिक लीला ये उनके नहीं होगा, इसलिए कह रहे नहीं समझ नहीं। और वात्सल्य रस कहें तो जैसे कहेंगे जैसे एक बालक जो मातृगर्भ से जन्म लेते हैं, कृष्ण भी तो इसी प्रकार जन्म ले रहे, तो कृष्ण भगवान कैसे, इसलिए साधारण लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। सख रस कहें तो लोगों के आनंद होता है, कैसे कृष्ण सखाओं के साथ खेलकूद करते हैं, समझो जैसे वो कथा प्रसंग होता है, एक बार दुर्वासा ऋषि रमन ऋतु में पधारे और उस समय कृष्ण खेलकूद कर रहे थे, खेलकूद करते करते सखाओं के साथ झगड़ा हुई, कृष्ण कहते हैं मैं जीत गया आ जाओ, कृष्ण कहते हैं मैं जीत गया, सखा सुवर्षदाम कहते हैं हम जीत गए, अभी निर्णय कौन देगा, कृष्ण कहने बोले चलो एक काम करे, निकट में एक साधु है, कौन साधु आ गए, दुर्वासा बैठे हुए, बोले दुर्वासा साधु तो निरपेक्ष होते हैं ना, वो निर्णय देंगे, सखा लोग सखाओं के साथ कृष्ण आ गए और दुर्वासा ऋषि धनस्थ होकर बैठे हुए देख रहे हैं भगवान को ऐसी दिव्य मूर्ति, अहो ऐसी सुंदर दिव्य, दुर्वासा कोई साधारण व्यक्ति नहीं। कृष्ण कहने लगे संत महात्मा ये बताओ कौन हार गए कौन जीत गए ये बताओ, दुर्वासा ऋषि कुछ नहीं बोल रहे, कृष्ण के मुख से जो वाणी निकालते हैं शब्द निकालते हैं कितने मिठास होता है, इसलिए तो हमारे श्री माधुर्य अकादमिनी ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भगवान की मधुर जो वाक्य जो वाणी जो है उसके सौसर्ज सौरस्व सौरभ सौकुमार जो है ये समस्त वर्णन होते जा रहे, भगवान के मुख से जो कथा निकलते हैं ना इतने मधुर होता है हृदय के द्रवीभूत करने वाले हो है, माधुर्य के अंदर इसके वर्णन होते हैं, जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट भगवान वह प्रकार व्यवहार अधिक करते हैं, कितने सुंदर, जो दास रस के होते हैं भगवान उसके क्या करते हैं, चतुर्भुज रूप में प्रकाश करके और शंख के द्वारा उसे स्पर्श कराते हैं, स्पर्श करने के साथ ही भगवान की दिव्य मूर्ति दर्शन करके वो मूर्छित हो जाते, भगवत दर्शन में कितने होता है, भगवान देखा अहो मेरे भक्त तो मूर्छित हो गया, फिर भगवान क्या करते हैं उनके सुंदर सौसर सुंदर स्वर सौसर जो सुंदर स्वरों के द्वारा इतने सुंदर मधुर वाणी होते हैं, मिठास वाणी होते हैं, हम उसको व्यक्त कर नहीं सकते, अवांग मानस से गोचर इतने सुंदर से भक्त की पुकारते और भगवान की मुखारविंद की वो स्वर सुन करके भक्त फिर मूर्छा से उठ करके भगवान के दर्शन करते, भगवान के दर्शन करके फिर पुनः भक्त क्या हो जाते मूर्छित हो जाते, आज फिर मूर्छा भंग भगवान मूर्छा भंग कराते हैं, जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त की उसी प्रकार मूर्छा भंग कराते, सखर रस के हो उनको हाथ पकड़ लेते हैं आलिंगन करते, क्या बोले वात्सल्य रस के हो उसके क्या करते हैं उसके चुम्बन आदि करते हैं, जैसे माता पिता बालक के क्या बोलते हैं मूर्धा माने मस्तक जैसे सूंघते ये समझते विचार दे, माता पिता छोटे बच्चा को क्या करते हैं, जैसे कि माँ क्या करते हैं बच्चा को गोद में रख करके ना ऐसे उसके मस्तक को जो है सूंघते हैं,
ऐसे चुम्बन करते हैं, ये समझते भगवान इसी प्रकार भी करते रहते हैं। सौसर्ज सौरभ है, फिर भगवान क्या करते, देखा भक्त मूर्छित हो गया, फिर अपने सुंदर सुगंध अंग की सुगंध जो है प्रकाश कर देते हैं, ऐसे सुंदर सुगंध हो गए, भक्त जग जाते और हाउदास करते रहते हैं। भगवान कहते हैं, ये मेरे भक्त तुम ना जानी कितने कितने जन्म मेरे लिए तुम तपस्या आदि किया, कितने कष्ट तुमने भोगा, मैंने तुमको कुछ दे नहीं पाया। उसमें भगवान की कहते हैं दैनम दैन आत्मक वचन आता है, और उस समय भगवान कहते नहीं भक्त तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मेरे लिए तुमने कितने कष्ट स्वीकार किया, धूप में बरसात में तुमने मेरे लिए कितने कठोर तपस्या की, मेरे हृदय कठिन होने के नाते मैं तुमको दर्शन नहीं दिया। देखो भगवान की इसी प्रकार क्या होता है दैन, अरे इनको प्रसाद दो, चले जाएंगे, आ जाओ प्रसाद लाओ प्रसाद, कितना सुंदर बच्चा आदि होता है। चलो नीचे चलते हैं, अभी क्या हो रहा है, माधुर्य रस के भक्त के क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं, माधुर्य का नवीन ग्रंथ है ना, उसमें है उसमें कौन से गंध छोड़े जो माधुर्य का नवीन ग्रंथ है ना, ये देखो बहुत सुंदर सुंदर है। अच्छा इसे सबको प्रसाद, चलो बंद कर देते हैं, ये सौ कुमार जो सौरस उदार जो उदारता है, अपने अधर आदि सौरस को पान कराते हैं, अधरामृत पान कराते हैं, माधुर्य भक्त है, ये समस्त वर्णन है। सौसर्ज सौरभ सौसर्ज सौकुमार्ज और सौरस्व औदार्य और कारुणता प्रकाश करते हैं, ये सात एक ही साथ में सातों प्रकार के भावों की जो है माधुर्य रस में प्रकाशित करते हैं। वो भी किस में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर कृष्ण के रूप में कर नहीं पाते, कृष्ण के रूप में पांचों के द्वारा प्रकाश करते हैं और महाप्रभु के औदार्य और कारुण्य की प्रकाश कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी, भागवत ग्रंथ पढ़ो आनंद आए, अरे दंडवत, चलो अरे प्रसाद ले जाओ, कहाँ जा रही हो।